बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसनस्थ हम सबके युवाओं के, सबके प्यारे और युवाओं के हृदय सम्राट, हमारे प्यारे, हम सबकी ताकत, हमारा नेतृत्व करने वाले हमारे युवा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी, जिनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। मंच पर आसनस्थ आदरणीय रामलाल जी, हमारे संगठन मंत्री। मंच पर आसनस्थ हमारे महामंत्री जो युवा मोर्चा के इंचार्ज है और युवा मोर्चा को हर वक्त, हमारे युवा मोर्चा को समर्थन देते हैं, हर वक्त आगे बढ़ाते हैं, ऐसे हमारे मुरलीधर राव जी, हमारी यहाँ की सांसद, हमारी मित्र आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी, और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी वजह से एक कार्यक्रम बहुत अच्छे रूप से हुआ, ऐसे मेरे भाई मनोज तिवारी जी, आप सबको बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पे सुबह से, कल से आए हुए और सुबह से बैठे हुए मेरे सारे बहनों और भाइयों, मैं इतना ही कहूँगी, जब अमित भाई किसी भी कार्यक्रम में युवा मोर्चा के आते हैं और हमारी शोभा बढ़ाते हैं, तो मैं इतना ही कहूँगी, तजुर्बों ने शेरों को खामोश रहना सिखाया, तजुर्बों ने शेरों को खामोश रहना सिखाया, क्योंकि दहाड़ कर शिकार किया नहीं जाता। और अमित भाई को हमने ऐसा ही देखा है कि चुनाव के क्षेत्र में शिकार कब करनी है वो सिर्फ और सिर्फ अमित भाई जानते हैं, और ऐसे ही कार्यकर्ताओं की टोली लेके हम आगे बढ़ते हैं। मन तो सभी के पास होता है, मैं अमित भाई को देख के हर वक्त सोचती हूँ, मन तो सभी के पास होता है, लेकिन युद्ध जीतने के लिए मनोबल की जरूरत है, और वो मनोबल हमारे आदरणीय अध्यक्ष अमित भाई शाह के पास है। और इसी मनोबल के साथ हमने युवा मोर्चा के रूप से, जब से मैं युवा मोर्चा की अध्यक्ष बनी, तब से यही सोचा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता टू कार्यकर्ता से भी आगे युवाओं तक किस रूप से पहुंचे, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का खेलो भारत के रूप से हुआ। दीनदयाल जी उपाध्याय की जन्म शताब्दी के वर्ष के रूप से 6 जुलाई 2017 को हमने एक कार्यक्रम शुरू किया। लगभग 27 प्रदेश, 730 जिले, संगठनात्मक जिले, और हम 10,000 मंडलों तक पहुंच चुके हैं। सब जगह पे 1 से 1.5 लाख युवा हमारे साथ जुड़ा जो खेल में आया। यहाँ पे 500 जीते हुए पूरे देश भर के खिलाड़ी आए हुए। हमारी यही इच्छा थी कि हर खेलों को प्रोत्साहन तो मिलता ही है, लेकिन भारतवर्ष में, हमारे इतिहास में, हमारे संस्कार में, हमारी धरोहर में जुड़े हुए इतने अच्छे खेल हैं, उन खेलों को भी एक अच्छा मंच मिले। और युवा मोर्चा के मार्फत हमने तय किया कि इसको मंच दे, इसलिए कबड्डी, मलखाम, रस्साकशी, खो खो और कुश्ती, ऐसे हमारी भारत की मिट्टी से जुड़े हुए खेलों को हमने आगे लाया, और हमसे अपेक्षा से भी ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, और उस प्रोत्साहन से रूप से आज हमें इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी मिल रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगी कि खिलाड़ियों को देखते हुए, कबड्डी मैं खुद बचपन में खेलती थी अमित भाई, हम स्कूलों के लेवल में, डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र लेवल में भी कबड्डी खेल चुके हैं, और थोड़ा उसका राजनीति में भी हमें फायदा हो गया, कभी कौन कभी टांग खींचे, कितनी सांस पकड़ के आगे बढ़ना है, कितना अपने आप में संतुलन रखना है, ये कबड्डी ने राजनीति में थोड़ा बहुत सिखाया भी था, तो कबड्डी थोड़ी बहुत सीख चुके हैं। और ऐसे अनेक खो खो में भी हम खेल चुके हैं, मैं खुद मराठी माध्यम स्कूलों में थी, तो यही मराठी खेल हम लड़ते आ रहे हैं, खेलते आ रहे हैं, और इससे जमीन की उस खुशबू के साथ हम जुड़े रहे, उस माटी के साथ जुड़े रहे। और इसी रूप से मैं इतना ही कहूंगी, कोई जीतता है कोई हारता है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन मैं हर वक्त कहती हूँ, यू विन सम एंड यू लर्न सम। एक तो आप जीतते हो, नहीं तो सीखते हो, और यही जिंदगी का सब कुछ महत्व इन खेलों में हमने सीखा है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सारे खिलाड़ियों को, जो जीते हैं, हारे हैं, आगे बढ़े हैं, नहीं है, लेकिन मनोबल उनमें भी है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे। कभी लोग अपने बारे में टिप्पणी करें, खिलाड़ियों को कहते हैं और हम कार्यकर्ताओं को भी हम कहते हैं, कभी भी लोग अपने बारे में भी टिप्पणी करें तो घबराना मत, बस यही याद रखना, टिप्पणी तो बहुत करने वाले लोग बैठे रहते हैं, लेकिन बस इतना ही याद रखना, हर एक खेल में दर्शक शोर मचाते हैं, लेकिन खिलाड़ी शोर नहीं मचाता, वो खेलता रहता है और जीतने के लिए चलता रहता है। ऐसी जीत के लिए चलने वाले खिलाड़ी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, और वो काम करते रहेंगे, सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं, तो राजनीति को सकारात्मक रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए हम हर मंच का इस्तेमाल करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, आप यहाँ पे आए, आपने हमारा मनोबल बढ़ाया, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और भारत माता की वंदे वंदे, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं खुद अभी
हमारे सबके तेजस्वी ओजस्वी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह को बुलाना चाहती हूँ कि आके हमें यहाँ पे प्रोत्साहित करें। मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। जरा जोर से एक बार युवा मोर्चा का कार्यक्रम है, पूरे जोश के साथ 2019 में फिर से सरकार बनाने के संकल्प के साथ बोलिए भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित युवा मोर्चे की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन पूनम महाजन जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्रीमान रामलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और युवा मोर्चा के मार्गदर्शक श्रीमान मुरलीधर राव जी, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, और आज इस कार्यक्रम में देश भर से आए हुए सारे खिलाड़ी बंधु भगिनी और कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले खेलो इंडिया के समारोह कार्यक्रम में मैं हृदय से युवा मोर्चा की अध्यक्षा पूनम जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म सती के निमित्त भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से एक अखिल भारतीय स्तर पर इतनी बड़ी भारतीय खेलों की स्पर्धा का आयोजन किया। लगभग 27 राज्य, 733 जिले, 11,000 से ज्यादा मंडल और 1,00,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसके अंदर हिस्सा लेकर अपनी खेल भावना और अपने प्रदर्शन को आगे बढ़ाने के लिए युवा मोर्चे के कार्यक्रम में भाग लिया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि राजनीतिक पार्टी जब तक राजनीतिक कामों से ऊपर उठकर समाज के साथ नहीं जुड़ती है, समाज की भावनाओं का प्रतिनिधित्व कभी नहीं कर सकती। इसलिए सदैव जरूरी है कि राजनीतिक दल खुद और विशेषकर उसके अंग उपांग समाज के अलग अलग हिस्सों के साथ जुड़कर समाज के साथ एकरस होने का, एक रूप होने का प्रयास करे और समाज के अलग अलग हिस्से को भी पार्टी के साथ एक रूप करने का प्रयास करे। BJYM ने समग्र भारत के अंदर 27 राज्यों में युवाओं को जोड़ने का, खेलों के माध्यम से जोड़ने का जो प्रयास किया है वो अत्यंत सराहनीय और सफल प्रयास है। मैं फिर से इसके लिए एक बार बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, खेल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं भी खेलों के साथ, खेल संघों के साथ जुड़ा रहा। मैं कई बार अर्बन स्कूलों को देखता हूं तब दिल में विचार आता है बच्चों के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण चीजों से वो महरूम रह जाते हैं, वो छू नहीं पाते। जब तक युवा खेलता नहीं है इसके जीवन में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। खेल प्रतिभा को सिर्फ आगे बढ़ाने के लिए नहीं होता है। स्पोर्ट
सिर्फ प्रतिभा को आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म नहीं होता। मनोरंजन या तनाव कम करने का साधन मात्र नहीं होता। खेल जीवन में हारने की आदत भी डालता है और जीतने का जज्बा भी उत्पन्न करता है, तभी जाकर एक संपूर्ण व्यक्ति बनता है। जब बच्चे खेलते हैं, युवा खेलते हैं, हर रोज हारते हैं, तो हार से निराश नहीं होते, वो सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसके स्वभाव में अपने आप इनबिल्ट हो जाता है। और अगले दिन हारे, दूसरे दिन जीतने का जज्बे के साथ फिर से उसी खिलाड़ी को हराने के लिए मैदान में उतरते हैं, तो जीतने का जज्बा भी अपने आप बढ़ता है। और एक चीजें अगर एक बच्चे के जीवन की शुरुआत में, एक युवा के जीवन की शुरुआत में, उससे युवा छूट जाता है, बच्चा छूट जाता है, तो पूरा जीवन अधूरा ही रह जाता है। मैं शहरों की स्कूलों को जब देखता हूं, तब कई बार सोचता हूं कि बच्चे क्या करते होंगे। मैं फिर से युवा मोर्चा को इसलिए अभिनंदन देना चाहता हूं कि उन्होंने सारे खेल जो पसंद किए हैं वो मिट्टी की सुगंध से निकले हुए, धरती से जुड़े हुए, कबड्डी, खो खो, मलखम, कुश्ती, ये सारे खेल युवाओं की शरीर की ताकत को तो आजमाते ही है, शरीर की ताकत को बढ़ाने की प्रेरणा तो देते ही है, स्फूर्ति को तो बढ़ाते ही है, चुस्त दुरुस्त भी करते हैं। मगर पंच तत्वों में से एक तत्व मिट्टी के साथ भी शरीर जब जुड़ता है तो अपने आप वो धरती के साथ जुड़ता है। और ये पंच तत्वों के साथ का जुड़ाव व्यक्ति को जमीन के साथ जुड़े रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। युवा मोर्चे ने ये जो स्पर्धा का आयोजन किया और आज इसका समारोह हो रहा है, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि जिन 1,00,000 बच्चों को युवा मोर्चा ने खेलों के माध्यम से प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है, उन सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक मौका मिलेगा। मित्रों, कई बार कुछ शब्द प्रयोग ऐसे ही बन जाते हैं, मगर जब हम बोलते हैं तो उसका विचार नहीं करते हैं कि क्यों बना है। खेलों की बात छोड़ दो, स्पोर्ट्स की बात छोड़ दो, कोई भी व्यक्ति अच्छा आचरण करेगा, बड़े मन से आचरण करेगा, तो आप कहोगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के अनुरूप उसका आचरण था। खेलों ने एक प्रकार की समाज जीवन पर कितनी गहरी असर छोड़ी। खेल दिली शब्द एक खिलाड़ियों के लिए है, अगर समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर कोई अच्छा आचरण करता है, कोई लेवल से ऊपर जाकर कुछ करता है, तो तुरंत कहते हैं देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, ये खेलों के महत्व को दर्शाता है। आज भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खेलो इंडिया के माध्यम से खेलों के महत्व को बढ़ाने का एक सन्निष्ठ प्रयास किया है। और हमेशा से, पहले जब नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब, और अब देश के प्रधानमंत्री है तब, उनका आग्रह है कि जब ओलंपिक और एशियाई खेलों की स्पर्धा होती है तब मेडल की तालिका में भारत का जो स्थान है उसको हरदम इंप्रूव करने का पूरे देश ने एक संयुक्त प्रयास किया। और उस दिशा में सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, मैं इसकी मीमांसा में जाना नहीं चाहता। राज्यवर्धन जी यहां आकर काफी सारी चीजें आपको कहकर गए हैं, मैं इसके डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, आज युवा मोर्चा के भी बहुत सारे कार्यकर्ता यहां उपस्थित। मित्रों, आजादी के वक्त जिनको आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेना मिला, उनका मौका मिला, जिनको बलिदान देने का मौका मिला, जिनको अपनी जान कुर्बान करने का मौका मिला, वो बड़े भाग्यशाली हो। देश आजाद हो चुका है,
अब हमारे भाग्य में वो मौका नहीं आने वाला है। देश के लिए हम अपनी जान देंगे, वीर सावरकर की तरह पूरा जीवन देश के लिए बलिदान कर दे, ऐसा मौका हमें नहीं मिलने वाला है। मगर देश के लिए जीने का मौका हमारे उन पुरखों ने हमें जरूर दिया है। हमारा जीवन देश के काम के लिए समर्पित कर, और भारतीय जनता युवा मोर्चा इसी के लिए एक प्लेटफॉर्म है, उसी दिशा में काम करने का मौका देने वाला एक संगठन। जब आप भारतीय जनता युवा मोर्चा में जुड़ जाते हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाते हो, निश्चित मानकर चलना कि भारत माता को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के एक अभियान के आप अभिन्न हिस्से बन जाते। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक पूरे देश भर के अंदर यशस्वी तरीके से देश की सेवा करने का प्रयास कर रही है। 19 राज्य सरकारें और पूर्ण बहुमत की केंद्र सरकार एक ही दिशा में, एक ही विचारधारा के आधार पर, एक ही मंत्र के आधार पर आगे बढ़ रही है। और नरेंद्र भाई ने 2022 में जब देश की आजादी के 75 साल समाप्त होंगे, उसके लिए हमारे सामने एक लक्ष्य रखा है, न्यू इंडिया का। मैं मानता हूं भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इन न्यू इंडिया के लक्ष्य को अपने जीवन का मंत्र बना देना चाहिए कि भारत कैसा हो, भारत कैसा होना चाहिए, उस दिशा में सारे बीजेवाईएम के कार्यकर्ता एक मुस्त होकर काम में लगे। नरेंद्र भाई ने कल्पना रखी गंदगी से मुक्त भारत, गरीबी से मुक्त भारत, भ्रष्टाचार से मुक्त भारत, आतंकवाद से मुक्त भारत, जातिवाद से मुक्त भारत और तुष्टिकरण से मुक्त भारत की कल्पना नरेंद्र भाई ने हमारे लिए रखी। बीजेवाईएम को माध्यम बना के पूरे देश भर के युवा 2019 के चुनाव में एक बड़ा जनसंपर्क अभियान हाथ में ले, हर बूथ में, हर घर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने पहुंचकर फिर से एक बार 2019 के चुनावों को में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताने का, लोगों का मन बनाने का काम किया। और मैं मानता हूं पूनम जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा ये करने के लिए सक्षम, भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रष्टाचार मुक्त, निर्णायक, पारदर्शी, संवेदनशील सरकार दी। मगर जब हम सत्ता में आए तब देश के सामने जो समस्याएं थी, देश की जो समस्याएं थी उसका समाधान करना करने में अभी काफी कुछ बाकी। 5 साल में इतनी बड़ी मजल कभी कोई नहीं काट सकता, मगर 5 साल में 70 साल की तुलना में बहुत बड़ी छलांग लगाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किया। और फिर से एक बार देश में नरेंद्र मोदी सरकार बने, फिर से एक बार देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसलिए बीजेवाईएम के देश भर के कार्यकर्ताओं ने कमर कसकर इस चुनाव के मैदान में जनसंपर्क अभियान और जनादेश को प्राप्त करने की कवायद करने के लिए जाना है। मित्रों, आज जिस प्रकार से देश भर से खिलाड़ी खेलते 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 आज दिल्ली तक पहुंचे हैं, मैं जीते हुए देश भर की हर स्तर की स्पर्धा में जीते हुए सभी खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं, और जो खिलाड़ी हारे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, जीतना बाकी है, हमें प्रयास ही जीता सकता है और कोई जीता नहीं सकता। और मैं फिर से एक बार पूनम जी और उनकी पूरी टीम को, युवा मोर्चे की टीम को हृदय से बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। आज यही ये पूरा कार्यक्रम जो अखिल भारतीय बना था, आज इनाम वितरण के साथ मेरे जाने के बाद समाप्त हो जाएगा।
सबको बधाई, और विशेषकर जो खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है वो 1,00,000 खिलाड़ियों को मैं पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं और हृदय की शुभकामना भी देता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान अमित शाह जी, आपके इन शब्दों से जरूर बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं हमारे सभी युवा खिलाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। फिर से एक बार हम खड़े रह के तालियां बजा के अमित भाई को हृदय से धन्यवाद देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जिस रूप से युवा और भारतीय जनता युवा मोर्चा पे उन्होंने विश्वास रखा है 2019 में, अगली बार 2019 में 300 पार करने की ताकत युवा मोर्चा ही रखेगा, और आप कमर कस के काम करेंगे और 2019 में फिर से कमल खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।